संसद की शुरुआत आज हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों की मौत पर शोक संदेश पढ़ा और सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने यह बताया कि इस सत्र में लगातार हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो सका। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को हुए हंगामे पर दुख जाहिर किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए, साथ ही विपक्ष के सांसद इस दौरान नारेबाजी भी करते रहे। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सदन में कल हुए हंगामे पर दुख जाहिर किया। हंगामे का जिक्र करते हुए नायडू भावुक भी हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। नायडू ने पूरे सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर अपनी वेदना जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि जब कुछ सदस्य टेबल पर आए तो सदन की गरिमा को चोट पहुंची और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। राज्यसभा चेयरपर्सन ने विपक्ष की लगातार मांग पर यह भी कहा कि आप सरकार को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्या करे और क्या नहीं। जिस वक्त सदन में राज्यसभा चेयरमैन दुख जाहिर कर रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। राज्यसभा चेयरमैन ने अंत में यह भी कहा कि इस तरह मैं सदन नहीं चला सकता और सदन की कार्यवाही तुरंत स्थगित कर दी गई। तो वहीं इसके उलट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। निरंतर व्यवधान के कारण महज 22% उत्पादकता ही रही। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संविधान 127वां संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित हुए हैं, जबकि 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए हैं। सदस्यों ने नियम 370 के अधीन 331 मामले उठाए। ये जानकारी देते हुए ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।